सरकारी जमीन एवं सरकारी रास्ते पर दबंगों ने किया कब्जा। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। गुलाबगंज कैंट वार्ड क्रमांक 33 के एक ही परिवार के करीबन 5 से 6 लोगों ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए गुनिया नदी के पास सरकारी जमीन एवं सरकारी रास्ते पर कब्जा कर शौचालय बना लिया, जिससे कुछ परिवार के लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुलाबगंज रहवासी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि दबंगों के हाथ जोड़े कई बार प्रशासन के पास जाकर निवेदन भी किया, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। इसके बाद भी ना तो रास्ता मिला और ना ही दबंगों पर कोई असर हुआ। हमारे बच्चे पढ़ाई से भी वंचित है क्योंकि आने जाने का रास्ता बंद कर रखा है। गुनिया नदी से निकलकर जाना पड़ता है, इसमें काफ़ी कीचड़ है। आवश्यकता होने पर कीचड़ में से निकलकर बाजार जाना पड़ता है, एक साल से परेशान हो रहे हैं। नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव को भी समस्या के बारे में बताया था, पर उनके द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। आपको ये दिक्कत आ रही है साहब, रास्ता बंद कर दिया। किसने कर दिया? राम बाबू और गुड्डा वे साहब सात जने हैं। हाँ। नाव नहीं जानते हम, रिपोर्ट में जरूर हैं। हाँ। रिपोर्ट मैंने भी करी है। हाँ। और 4-5 साल पहले से हम बहियों न कर रहे हैं। हाँ। और आपके बिना तार फेंसी कर दी। हाँ। और लोग बागा ने पैसा भी दे रहा, हमने कलेक्टर साहब भी दिया है आवेदन 2-3 बार। हाँ। और मैडम को दिया है वहाँ। हाँ। SDM में। हाँ। और थाने को दई और नगर पालिका भी दई, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अभी कहाँ से निकल रहे हैं? अबे हमने दरवाजा टूटा है। हाँ। दरवाजे मोड़ खड़े रहे हैं सुबह और जगह रहे हैं कि हमारे दरवाजे को मत खड़ो जाओ। समस्या ये है, मेरे रास्ते पे लेटरिंग बाथरूम और तार फेंसिंग कर रखी है। किसने? ये मैंने लिया था राम प्रसाद प्रजापति से, मतलब जो प्लाट बेचा था। उनके लड़कों ने, राम बाबू गुड्डा और उनके 6 भाइयों ने मिलकर कब्जा किया है। हाँ। और प्लाट किससे लिया? प्लाट उनके पिताजी ने बेचा था, उसमें रस्टी में रस्ते पे तार फेंसिंग और लेटरिंग बाथरूम बना रखी है। रास्ता कहाँ है? रास्ता ये दिख रहा है, लेटरिंग बाथरूम ये दिख रहा है आपको सामने। ये कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 2011 से निकल रहा था। पिछला लगभग 1 साल मेरे को तहसील में चक्कर लगाते हुए है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 2011 में रह रहा था। अभी कहाँ से निकलते हैं? अभी अब तो जहाँ से कीचड़ हो रही है नाले किनारे से निकल जाता था, लेकिन अब जो पानी बस गया तो मकान में भी पानी भर गया, उससे निकलने की समस्या हुई। अब कहाँ से बच्चे ना ट्यूशन जा पा रहे, बच्चे ट्यूशन जा पा रहे ना खुद निकल पा रहे।